नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज का वीडियो शाहरुख खान की फिल्म किंग के बारे में है। बहुत बड़ा ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है शाहरुख खान का। डॉन 3 टुकराने के बाद में उन्होंने इस फिल्म को साइन किया है। पहले डॉन 3 करने वाले थे सुजाय घोष, जिन्होंने कहानी है, बॉब विश्वास जैसी फिल्में बनाई है, तो उनका डायरेक्शन है। तो लेकिन ये एक्शन है, एक्शन मूवी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों इस फिल्म में सुहाना खान भी बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं, शाहरुख खान की बेटी है। हालांकि इससे पहले वो आर्चीज में काम कर चुके हैं, नेटफ्लिक्स पे जो वेब सीरीज आई थी, और उनके अभिनय को पसंद किया गया है। टैलेंटेड है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब शाहरुख खान के साथ दोनों बाप बेटी के रोल में यहाँ पे नजर आएंगे शायद। लेकिन जबरदस्त एक्शन से भरपूर ये मूवी होने वाली है। फिलहाल फिल्म प्री प्रोडक्शन के स्टेज में शाहरुख खान का जो बैनर है चली एंटरटेनमेंट, उसके अंतर्गत ये फिल्म बनाई गई और इसका बजट रिवील हो गया है। शाहरुख खान फिल्म में 200 करोड़ रुपये लगाने वाले हैं, मतलब 200 करोड़ की ये फिल्म होगी, तो काफ़ी बड़ा एक अमाउंट है ये। और सुजाय घोष बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, तो इस फिल्म की शूटिंग इसी वर्ष शुरू हो जाएगी। तो शाहरुख खान की किंग के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही एक अलग ही तरह के एक्शन इसमें देखने को मिलेंगे आपको, और एक जबरदस्त स्टोरी भी होती है, क्योंकि सुजाय घोष की फिल्म की स्टोरी प्लस पॉइंट होती है। जबरदस्त स्टोरी के साथ वो फिल्म लेके आते हैं। साथ में सलमान खान भी आ रहे हैं सिकंदर अगले वर्ष 2025 में ईद के अवसर पर। तो शाहरुख खान वाली फिल्म शायद दिवाली पे आएगी अगले वर्ष, और ये फिल्म आएगी आपकी ईद पे। तो देखते हैं बॉलीवुड का सिकंदर कौन बनता है, किंग कौन बनता है, क्या सिकंदर ज़्यादा सफल होता है या किंग ज़्यादा सफल होता है। ये एक देखने वाली टक्कर जरूर 2025 में मिलेगी देखने को। तो किंग की शूटिंग इसी वर्ष शुरू हो जाएगी। बाकी स्टारकास्ट के बारे में ज़्यादा खुलासा अभी नहीं हुआ है कि और इसमें कौन कौन अभिनय करेगा। अभी फिलहाल इतना ही बताया कि शाहरुख खान और सुहाना खान दोनों दिखाई देंगे, और एक बड़ा एक्टर इसमें विलेन के रोल में भी नजर आने वाला है। किसकी कास्टिंग की जाती है ये अभी पता चला नहीं है। फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।